नमस्कार, आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एपिक डिवाइन टेल्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आप सभी के साथ अनेक ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं प्रस्तुत करते हैं। आज भी हम ऐसी ही एक पौराणिक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों पीछे अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी, कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी थी, कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी सेर आध सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन मिल नहीं रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो ना सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुंचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की, फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मारकर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखटें, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थीं। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी, ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो, वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार चौकटें भी चंदन की हैं, चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई, और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं, मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते हैं और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर भी महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर यह बात सूझती ही नहीं कि वे महान त्याग किया कैसे जाए। जो लोग छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेते हैं, वही महान कार्य करने में भी सफल होते हैं। आशा करते हैं मित्रों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कथाओं के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।